तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एक ऐसे मुद्दे पर मूवी आ रही है जिसे शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था, फुटबॉल के ऊपर मैदान मूवी, जिसे मेन लीड पर अपने को अजय देवगन सर देखने को मिलने वाले हैं एज कोच, और वो फुल एफर्ट मार रहे हैं जो हमने ट्रेलर में देख ही लिया है। भाई ऐसे मुद्दे पर मूवी आनी चाहिए, खासकर इंडिया में आनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल वो एक स्पोर्ट है जहां पर पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन अगर फुटबॉल की लिस्ट में अगर कहीं दूर दूर तक देखें तो इंडिया को आप चश्मा लगा के भी नहीं देख पाओगे, इतने पीछे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के पास प्लेयर्स की कमी है, भाई बहुत धांसू प्लेयर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स है, और वो एनर्जी, वो मेहनत, वो हर जगह देने को तैयार हैं अगर उन्हें बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले, उनके साथ पार्शियलिटी ना हो। तो हमारे इंडियन प्लेयर कभी भी ऐसे मौके के लिए नहीं चुकेंगे, क्योंकि मैं खुद एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूं और जो चीज़ मैंने फेस करी है, मैं स्ट्रगल करी है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि भाई साहब उतना बढ़ावा नहीं मिलता है। उल्टा मजाक उड़ाया जाता है कि भाई साहब इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्या करोगे आगे जाकर। लेकिन भाई स्पोर्ट्स में अगर आपकी कंट्री आगे है या आपका रीजन आगे है तो वो डेवलपमेंट में वो बहुत अच्छा हाथ निभाता है। लाइक अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात कर लें, भाई साहब अगर इंडियन क्रिकेट की ही बात कर लें तो क्रिकेट ने कितनों की ज़िंदगी बनाई है। विराट कोहली, एमएस धोनी, ये नाम ऐसे ही नहीं चमके हैं, इनको क्रिकेट ही ये नाम दे के गया है। अगर क्रिकेट ना होता तो शायद ये लोग भी ना होते। तो उसके जरिए बहुत से लोग इंस्पायर भी होते हैं उनसे। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिकेट जो खेलते हैं वही इंस्पायर होते हैं, ऐसे स्ट्रगलर्स भी इंस्पायर होते हैं। लाइक एमएस धोनी, जब मूवी आई थी तो हर वो स्ट्रगलर जो किसी भी फील्ड के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए, जैसे भाई सफ़र वो ही तय करना है, रास्ते में अड़चने, अड़ंगे या फिर गड्ढे उतने ही मिलेंगे जितना हर किसी स्पोर्ट्स में या हर किसी फील्ड में मिलने वाले हैं, और वो सारी चीज़ें भाई वो फेस करता ही करता है। तो वो इंस्पिरेशन, वो सारी चीज़ें ऐसे सेलिब्रिटीज़ या फिर ऐसे मोमेंट हमें देकर जाते हैं। लाइक अगर हम फुटबॉल की ही बात कर लें तो रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, लियोनेल मेसी, पेपे और भी बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। लाइक जो अभी रिसेंट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अपना एम्बाप्पे बहुत ग्रोइंग, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपरस्टार कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जिसने बहुत कुछ नाम कमाया था। लेकिन भाई दुख होता है कि यार ऐसे जब बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वर्ल्ड वाइड इवेंट होते हैं, और वहाँ पर इंडिया का कोई नाम ही नहीं होता है, कोई जिक्र ही नहीं होता है। इंडिया अपना जो देश है भाई हर किसी चीज़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फुटबॉल का जहाँ नाम आता है वहाँ पर ना टॉप 10 में देखने को मिल रहा है, ना टॉप 20 में देखने को मिल रहा है, बहुत पीछे लिस्ट में। तो दैट्स वाई कि जब ये मैदान मूवी आ रही है, बस उसका ट्रेलर आ रहा है, जो मुझे पर्सनली बहुत कनेक्ट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक को भी ये कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई हम एक्शन मूवीज बहुत देख कर आ चुके हैं, वो फिक्शनल मसाला स्टोरी, लाइक सलार की ही बात कर लो, खानसार वानसार क्या था, ये कुछ भी नहीं था, बस एक मसाला था, एंटरटेनमेंट था, और बस दिमाग को सुख दे गया और क्या था। लेकिन भाई साहब इम्प्रूव क्या हुआ, सीखने को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस मूवी से क्या हो सकता है भाई, बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दैट्स वाई कि ऐसी मूवीज़ को भाई हाईलाइट मिलना चाहिए, वो ऐसी मूवी को सपोर्ट मिलना चाहिए जो ऑडियंस से इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैं कहूँगा भाई, जो बहुत छोटी सी छोटी ऐसी भी कोई मूवी के लिए, मतलब कोई छोटे रीजनल से मूवी आती है, लाइक मलयालम हो गई और भी कोई छोटी या मराठी हो गई, तो उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन भाई ये जो मुद्दा है, यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बहुतों को इंस्पायर कर सकता है, बहुतों की आँख खोल सकता है कि भाई साहब इसमें भी एक करियर बन सकता है आगे जाके। बहुत से लोग क्या भाई सब नौकरी थोड़े ना करते रहेंगे, कोई अपना पैसन चुनेगा, और उस पैसन में भाई लोगों को हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, उन्हें वो सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि भाई जैसे क्रिकेट के टाइम पर कि हम क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी खासी अगर हमें हाइप मिल गई, अच्छा खासा सीख गए, सब कुछ प्लेटफॉर्म मिल गया, तो भाई सिक्योर है। और वही चीज़ भाई इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे पूरी दुनिया आगे है, नंबर वन गेम है ये इंडिया, पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पर भाई क्रिकेट का भी उतना नाम नहीं आता है, लेकिन वर्ल्ड में जहाँ हर एक से कनेक्ट करके जाता है ये फुटबॉल, वहाँ अपने इंडिया का नाम नहीं है। तो भाई ये छोटा सा एफर्ट मुझे बहुत अच्छा कनेक्ट करके गया है, और यस अगर यहाँ से शुरुआत होती तो अच्छी बात है, यहाँ से अगर लोगों को बढ़ावा मिलता है, लोगों को अपने सपने और साकार करने का एक उम्मीद मिलती है कि भाई यस हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट करेंगे लोग, सपोर्ट करेंगे सब लोग, एक ही तरह की अगर सोच रखेंगे तो दमदार होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मूवी को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगा, भाई साहब इसके पीछे जो मैसेज मिलने वाला है मैं उस मैसेज को सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसके पीछे जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है मैं उस इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करना चाहता हूँ। फिलहाल मूवी में अगर बहुत कुछ अच्छा मिल गया तो ऑटोमेटिकली लोग बूस्ट होंगे, कनेक्ट करके जाएंगे, इमोशन बाबा भरपूर मिलने वाला है इस मूवी में, बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, क्योंकि अजय देवगन जैसा मचा हुआ सुपर स्टार इसमें है जो इमोशन में बिल्कुल भी कमी नहीं डालेगा। लेकिन एज कोच अगर मैं चाहता हूं कि भाई अजय देवगन जो लग भी रहा है कि फुटबॉल हिस्ट्री से उसका मतलब पास्ट कनेक्शन रहा होगा,
अगर एज कोच वो कोच वाला बंदा सामने आ जाए जो ग्राउंड के टाइम पर कोच होता है, इसके अंदर इमोशन नहीं होता है। लाइक बाहर गेम में इमोशन देखने को मिलेगा, लेकिन जब बाबा गेम के अंदर आप पहुंच जाओगे, फील्ड के अंदर पहुंच जाओगे, तो वहां आपको इमोशन काम नहीं आता है, वहां डिसिप्लिन काम आता है एंड रूडनेस कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमने भी भाई प्रैक्टिस करी है और हमारा कोच हम पे बिल्कुल भी दया नहीं खाता था। जैसा जितनी प्रैक्टिस है उतनी करो, और वो चीज़ जब प्लेयर्स फील करने लग जाता था, क्योंकि वहां से वो एक निगेटिविटी भी जनरेट होती थी, लेकिन भाई वो एनर्जी को बूस्ट करने का बेस्ट सोर्स होता है। अगर वो चीज़ देखने को मिल गई और लोगों को भी कनेक्ट हो गया कि एक बार के लिए अजय देवगन पे ये वाली बात आ जाए कि भाई कैसा ब्रूटल है ये, क्यों इतना तड़पा रहा है ये नौजवान लॉन्डो को, और जो जिस हिसाब से इसमें टीम देखने को मिल रही है, लाइक बात चल रही है कि असेंबल्स करूंगा, ऐसी टीम बनाऊंगा नए प्लेयर्स की जो सबकी धज्जियां उड़ा के जाएगा, तो अब वो सारे लड़के जो देखने को मिलने हैं कॉलेज जवान लौंडे, भाई फुटबॉल में ऐसे ही होते हैं, पतले टिड्डे कह सकते हैं बिल्कुल, छोटी हाइट के। अगर आप मणिपुर एंड उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पर चले जाओ तो वहाँ आपको हाइट छोटे वाले ही मिलेंगे, लेकिन आप बंगाल साइड चले जाओ तो वहाँ पर टैन एंड लंबे पतले लड़के देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड साइड आ जाओ तो भाई हर मैसअप मिलेंगे। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पर फुटबॉल का क्रेज सिर्फ 3-4 स्टेट पर ही अच्छा खासा है। लाइक देहरादून की भी बात कर लो तो है वहाँ पर भी क्रेज, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेज है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, देन उसके बाद चंपावत में। तो भाई ये चीज़ खैर रीजनल भी देखने को मिली ट्रेलर में, और ऐसा रियल में भी होता है कि भाई एक मोमेंट जब आया था कि गुजरात के प्लेयर्स को हटाने के लिए, मतलब इतनी साजिश जो रची तुमने अपने बंगाल के प्लेयर लाने के लिए, बंगाल के खिलाड़ियों को हैदराबादियों से बदलने का मौका ढूंढ रही है। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी। जिस दिन भाई ये चीज खत्म हो जाएगी उस दिन इंडिया की एक सॉलिड टीम बनेगी। आज भी हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई साहब वर्ल्ड कप में खेलने के लायक हैं, बस उन्हें एक सही डायरेक्शन चाहिए, सही प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि पेशेंस कैसे रखा जाता है बड़े बड़े खेल्स में वो चाहिए, क्योंकि यहीं पर ही चूक होती है और कहीं नहीं, क्योंकि स्किल्स में कोई कमी नहीं है लोगों के पास, स्किल भरपूर है, कैसी भी आप डोज दे सकते हो, कैसी भी आप गेम को आगे बूस्ट कर सकते हो, कैसी भी टीम फॉर्मेशन करके उसे अटैक देन काउंटर अटैक कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, लेकिन बाबा एक ऐसी टीम जो सामने आ जाए जिस पे तुम्हें पता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्किल्स है इनके पास, तो उसे कैसे हराए? क्योंकि भाई हार हर कोई जाता है, बस हराने वाले में दम होना चाहिए। तो ये चीज़ भी सिखाएगा कोई तो हमारी टीम भी आगे निकल के जाएगी। फिलहाल इस मूवी के लिए वेट है और बहुत कुछ इन्होंने रियलिस्टिक ही दिखाया है, अगर ऐसा फिक्शनल या मसाला में डालकर कुछ भी ऐसा ओवर तो दिखाया नहीं है, अगर दिखाते तो सबसे पहले मैं ही कॉल आउट करता, बाय गॉड घोड़ी भी बनाता इस मूवी को, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी है भाई सपोर्ट करते ही देखने को मिल रहा है, एक ऐसी हिस्ट्री को दिखाना चाहेंगे जहां पर चाह था, मतलब स्टार्ट करा था, एक वो चिंगारी जगी थी लेकिन वो चिंगारी बुझ गई उस समय, जिसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो उस एरा को वो उस हिस्ट्री को दिखाएंगे जो भाई बूस्ट करके जाएगा, और इमोशन अच्छा खासा मिलने वाला है, मोटिवेशन इंस्पिरेशन, जो भाई किसी भी फील्ड की तैयारी करते हैं जिन्हें बूस्टर चाहिए होता है अपनी सक्सेस को और भी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथली एनर्जेटिकली आगे बढ़ने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तो ये मूवी उनके लिए है डेफिनेटली, उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। बाकी रियलिस्टिक पे अच्छा काम कर रखा है, जो टीम उन्होंने दिखा रखी है अच्छी दिखाई है, जो टीम्स के प्लेयर्स के द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लाइक स्ट्राइकर, देन उसके बाद डिफेंसर, देन उसके बाद गोलकीपर का भी जो रोल दिखाया है, वो कैसे हाथ में पकड़ा जाता है, वो अच्छी चीज़ है सारे कुछ, बॉल को कैसे रोका जाता है, देन उसके बाद वो रनिंग में भाई आपका स्ट्राइकर भाग रहा है, देन उसके बाद पीछे से बॉल आ रही है, और वो जो इनर कनेक्शन, अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो वो फील करते होगे कि हम ऐसा देखते नहीं है बाबा, लेकिन जब बॉल आती है तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट उस समय पर पहुंच के हमें बॉल मिल जाएगी, क्योंकि वो एक इनर कनेक्शन होता है, वो एक तालमेल होता है जो होना चाहिए एक टीम में, वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद स्किल्स की बात कर लें तो किक को हिट करना वो भी अच्छा लगा, एक चीज़ बेकार लगी बस, वो अजय देवगन का फ्रंट फुट से बॉल को रोकना एंड वो जो रेल ट्रेन का वो डब्बा जब जाता है तो बनाना किक ट्राई करते हैं, जो बनाना नहीं भाई यूटर्न किक देखने को मिलती है, तो वो चीज़ खैर उसको इग्नोर करते हैं, बाकी और भी सब कुछ बढ़िया ही था। बाकी ट्रेलर दमदार था, ट्रेलर में फिलहाल कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत कुछ देने वाला है। एज कोच भाई अजय देवगन का रौद्र रूप भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई साहब ऐसे स्पोर्ट्स में खासकर फुटबॉल में भाई हार्ड कॉर्नर भी होना चाहिए एक कोच के अंदर, जो रियलिस्टिक में बहुत ज़्यादा तड़का मार के जाएगा, और वो हेडशॉट वाला जो
सीन था वो सरदार जी का जो हेडशॉट लेना भाई वो ऑसम लगा, क्योंकि हमारी टीम में भी एक प्लेयर था कमलप्रीत नाम है उसका, जो हेडशॉट ही अधिकतर ट्राई करता था। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है पर वो चीज़ हिट करके गई। तो वैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मूवी दमदार होने वाली है, और इस चीज़ के लिए मतलब इस मूवी के लिए काफ़ी वेट है। एक्शन मास मसाला बहुत देखते आ चुके हैं, किसी की बायोग्राफी भी बहुत देखकर आ चुके हैं, देश का पैट्रियोटिज्म वाला तड़का अभी तक बॉलीवुड में लगातार लगते आ रहा है पिछले साल से। अब कुछ नया चाहिए था और भाई साहब नया इस रूप में मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। और साथ में क्लैश हो रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, तो भाई ये हाइप खाने वाला है, मैदान मूवी हाइप खाने वाली, क्योंकि फर्स्ट डे जब ये मूवी आएगी डेफिनेटली पॉजिटिव रिव्यू लेकर जाने वाली है मैदान मूवी। तो वेट है भाई, आप लोग कितना वेट कर रहे हैं, अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं और ये चीज़ देख रहे हैं तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और आप क्या कनेक्ट फील करते हो, और भी क्या इम्प्रूवमेंट अपने इंडियन टीम में हो सकता है, या फिर इंडिया क्या ऐसे स्टेप्स ले सकता है कि अपने फुटबॉल को और भी ज़्यादा हाईलाइट करके आगे बढ़ाया जाए, सपोर्ट मिला जाए। भाई साहब हैशटैग इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करो, ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कोई मोमेंट चलाओ। भाई साहब बहुत मोमेंट चले हैं ट्विटर्स पर, ऐसा कुछ चलाओ। मैदान मूवी का अभी अच्छा खासा हाइप चल रहा है, इस हाइप का मजा लूटो ताकि यहाँ से कुछ अच्छा बूस्टर मिल देखने को मिल जाए। बाकी दैट्स माय रिव्यू, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई है तो फिर लाइक कर दीजिए, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मन कर गया है बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगली वीडियो पर। जय हिंद।